अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरिता कुमार। आज मेरे साथ हैं केपी चौधरी जी, जो कि बहुजन समाज की जानी मानी हस्ती हैं। तो आज हम इनसे सवाल करना चाहेंगे, जो दिल्ली के सांसद रह चुके हैं उदित राज जी, आज उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। तो उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी एक बहुजन समाज विरोधी पार्टी है, तो इस बारे में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जय भीम नव बुधाय। जैसा कि आपने अभी सवाल किया है, बचपन में मुझे एक कहानी मेरे माता पिता ने बताई थी कि एक आदमी के पास भैंसा बुग्गी थी और वो आदमी अपनी भैंसा बुग्गी चला करके अपना किराया करता था। एक दिन एक शर्मा जी उसे मिले और उनसे कहा कि आप ये भैंसा बुग्गी बेच दीजिएगा और हमारी कार पर ड्राइवर बन जाइए। तो कार पर वो ड्राइवर बन गए, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी जो है बीमार हो गई और पंडित जी की पत्नी को गंगा जी नहाने जाना था। तो उन्होंने कहा कि कल गंगा जी नहाने के लिए जाना है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी अस्पताल में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी पत्नी को छोड़िए और आप जो है हमारी पत्नी को लेकर के आप गंगा स्नान करने जाइएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भैंसा बुग्गी तो उन्होंने छोड़ दी और कार मिल गई, लेकिन कार के साथ साथ उन्हें गुलामी मिल गई। अगर वो अपनी भैंसा बुग्गी चलाते होते तो आज उनको शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे जितने लोगों ने पार्टियों में जा जा करके, दूसरी पार्टियों में जा जा करके काम किए हैं, अगर देखें तो उनका सभी का हसर करीब करीब एक जैसा हुआ है। और ये जो अभी आपने सवाल किया, जिन सांसद का आपने नाम लिया है, बिल्कुल सही है। 5 साल वो इस लोकसभा में रहे, अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कभी एक शब्द ऐसा नहीं बोला। बहुत सारे मुद्दे आए, 2 अप्रैल को पूरा देश सड़क पर था, हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, एक बयान भी शायद के देश के लोगों ने नहीं सुना। तो ये जो समाज का दर्द जो है, जिस व्यक्ति के बीच दिल में नहीं होता है, वो समाज की सिंपैथी तो खो देता है। इसके साथ साथ जिस पार्टी में वो काम करता है, उस पार्टी के अनुशासन के अनुसार अगर वो कार्य नहीं करता है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी की सिंपैथी भी खो देता है। तो यहाँ भी शायद ऐसा ही रहा होगा कि उनको जो टिकट अगर नहीं मिला है तो पार्टी लाइन पर कहीं ना कहीं वो कहीं फिट नहीं पाए गए होंगे, तो इसलिए उनका टिकट काट दिया गया और समाज से उनका संबंध पहले ही समाप्त उन्होंने कर लिया था। तो ना आज की डेट के अंदर वो समाज के रहे, ना वो उस पार्टी के रहे, लेकिन उन्होंने भी दूसरी पार्टी जो बीजेपी की दूसरी साथी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो इसका मतलब यह है कि ये तो खैर उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी भैंसा बुग्गी चलाते रहिएगा पर किसी कार पर ड्राइवर मत बनिएगा। कार पर ड्राइवर बनेंगे तो हसर जो अभी आपने देखा है, और इतिहास में भी बहुत सारे नेताओं का हसर आपने देखा होगा, वो हर व्यक्ति का हसर वही होगा जो जिस नाम की आप चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि उदित राज जी 5 साल बीजेपी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि बीजेपी जब से आई है बहुजनों के साथ बहुत गलत बर्ताव हो रहा है। लेकिन आज अचानक से उनको टिकट ना मिलने पर उन्होंने कह दिया कि ये दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पार्टी एक व्यक्ति का नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा। बीजेपी में बहुत सारे सांसद हैं, कांग्रेस में बहुत सारे सांसद हैं। अभी ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि हर पार्टी के अंदर, चाहे वो विधानसभा लेवल पर है, वहाँ भी बहुत सारे हमारे विधायक हैं, चाहे लोकसभा की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे सांसद हैं। आप इतिहास लोकसभा की कार्रवाई इस बात की गवाह है कि कितने SC ST सांसदों ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए 25% के आरक्षण से लोकसभा में पहुँचे, कितने लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात को लोकसभा में उठाया, अपने समाज की आवाज़ को उठाया, ये इतिहास अपने आप में इसका गवाह है। ज़रूरत इस बात की है कि अब सच्चे अम्बेडकरवादियों को अब आगे आना चाहिए, सच्चे बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जो लोग बाबा साहब के अपने परिवार को छोड़कर, अपने स्वार्थों को छोड़कर के समाज को कुछ देने की सोच रखते हैं, उन लोगों को आना चाहिए। और आने वाले समय में अपने समाज को नई दिशा देने की आवश्यकता है, समाज को आज लीड करने की आवश्यकता है। और मैं अपील करूंगा एक बार सभी लोगों से, जो लोग अभी 2019 में लोकसभा में चुन करके आने वाले हैं, कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 25% के आरक्षण से चुन करके लोकसभा में पहुँच रहे हैं और आप पर बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज है, समाज का आपका कर्ज है। मेहरबानी करके जो गलती पिछले दिनों हुई है, इस बार आप ये गलती ना करें और 2019 में जो लोकसभा चुनी जाएगी, एटलीस्ट समाज का जो दर्द है, समाज की जो दुर्दशा है, समाज की समस्याएं हैं, एटलीस्ट आप लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है, बाबा साहब अम्बेडकर का आप पे कर्ज है कि आप इन सभी सवालों को लोकसभा में उठा करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में, जिस हिसाब से समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में युवा
अपनी सोच को बदल रहा है, समाज के अंदर एक व्यापक स्तर परिवर्तन देखा जा रहा है कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो आने वाले समय में इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, और आपका ये जो कार्य, जो आपका कार्य करने का तरीका है, निश्चित रूप से समाज इसको एक ये मतलब एक काले धब्बे के रूप में याद करेगा कि भाई ये लोग आए और इन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता होते हैं, अक्सर ये शुरुआत में तो बहुजन समाज की बात ही करते हैं, लेकिन अचानक से राजनीति में आने पर इनका बर्ताव चेंज क्यों हो जाता है, या ये काम करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उनकी राजनीतिक पर मजबूरियाँ हैं, पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। पार्टी एक्चुअली क्या, उनका अपना खुद का आधार नहीं होता। पार्टी उनको टिकट देती है, पार्टी दूसरे लोगों की होती है, दूसरे लोगों की पार्टी के उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका टिकट भी कई बार कट जाता है। तो इसलिए क्या है कि जब आप दूसरे की दुकान में जाकर नौकरी करेंगे तो मालिक के हिसाब से तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और मालिक के हिसाब से काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के हक में कभी जाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी के पैरामीटर को मानते हुए उनको काम करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एससी एसटी समाज के लिए कंसिडरेशन दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, और उसका ही नतीजा ये है कि आने वाले समय में आज जो नई विचारधाराएं निकल के आ रही हैं, आज जो एक परिवर्तन की धारा निकल के आ रही है देश के अंदर, स्पेशली मैं एससी एसटी और ओबीसी समाज की बात कर रहा हूं, ये एक परिवर्तन की तरफ है समाज, और आने वाले समय मुझे लगता है कि व्यापक स्तर पर समाज में परिवर्तन होंगे और एक नई धारा समाज में बहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।